घर से रोक के नीचे पानी दिया और पानी बाहर भेजे अच्छे दाल ये जनाब आधा ट्रैक हुआ है अभी रद्दी गली का रास्ते में आबशार आई है दूसरी यहाँ पे गाड़ी को ठंडा करेंगे रेडिएटर को ठंडा करेंगे। मैं भी नीचे इसलिए नहीं उतरा कि नीचे तकरीबन एक फुट पानी है तो शूज सारे मेरे भीग जाएंगे तो यार मैं गाड़ी में बैठने पर एक बात करूँगा फिलहाल। ये कुछ दोस्त हैं जो पीछे भी सवार है यहाँ पर मौसम जो है तो सर्द हुआ है थोड़ा सा पहले धूप भी पीछे क्योंकि हम हाइट की तरफ जा रहे हैं अभी ये रास्ता है मैं नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ अगर कामयाबी मिली तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सीन है माशाल्लाह। ये रत्ती गली खुलने के बाद हम पहले चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो यहाँ पर आए हैं अगरचे के सीज़न आउट है सियाहत का लेकिन इतना भी नहीं कि कोई आए ना या कोई जा ना सके ऐसी भी बात नहीं है। नीचे पानी है मेरा उतरने का दिल नहीं कर रहा है। ये जनाब दो नाले हैं एक यहाँ से आ रहा है एक वहाँ से आ रहा है वहाँ से भी सैलाब आया है तो इसने 10-12 फुट ऊपर तक पहाड़ तोड़ा बल्कि 20-30 फुट है। वीडियो में कम नज़र आ रहा है आंखों से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है मुझे तो ड्राइवर भाई जी है वो साथ साथ मुझे सब कुछ बता रहे हैं। ये भी देखें ये जो सामने पहाड़ है ये जहाँ मेरी फिंगर है ये हिस्सा भी पानी ने काट दिया सारा पहले ये लश ग्रीन था वो मुझे बता रहा है बंदा। तो ये ट्रैक है यहाँ पे वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल है कैमरा पकड़ना फिर खुद को भी संभालना यहाँ कदम कदम पे झटकियाँ मुसलसल ही। तो बड़ी तबाही फैलाई है सैलाब में इधर बड़ा नुकसान हुआ लोगों का भी ये जितना भी पीला एरिया ये सारा सैलाब में बर्बाद कर दिया। अभी तक देखे नीचे लकड़ियों में तने पड़े हुए हैं दर्जनों के हिसाब से ये आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ज्यादा तबाही हुई है यहाँ पे। वो नीचे खतून है उसने पता नहीं लकड़ियां उठाई हैं या क्या चीज बड़ा वजन उठाया है सांस ले रही है अब इसने चढ़ाई ऊपर जाना है लालबन पैदल। ये देखे नीचे लकड़ियों के तने बेसाफ पड़े हुए हैं जो हम फेसबुक वीडियोस पे आए दिन देखते हैं कि जहाँ सैलाब है वहाँ लकड़ी भी बेइंतहा। तो ये जनाब उसने बताया मैंने पूछा उससे लकड़ी इतनी आई किस जगह से है बज़ाहिर तो ये शाखें भी गायब है जड़ें भी नहीं हैं तो पूरे तने हैं। तो उसने बताया जनाब कि जब ये बादल फटा है ना तो ये जंगल के ऊपर फटा है तो वहाँ पे पहाड़ों पर जितने भी थे दरख्त वो एक झटके में नीचे आए हैं जैसे आसमानी बिजली गिरती है ना तो एक लम्हे से भी पहले उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं दरख्त के वो जल जाता है एक तना ये पड़ा हुआ है ये ऊपर से आया है आगे मोड़ नजर नहीं आ रहा इसलिए ड्राइवर ने हॉर्न दिया कि अगर ऊपर से आ रहा हो तो मुहतात हो जाए वैसे चांस नहीं है इसके क्योंकि सियाहत जो है वो बंद है इक्का दुक्का जीप ही है। ये देखे ब्यूटीफुल व्यू वेरी ब्यूटीफुल यहाँ से दरिया खासा नीचे चला गया अभी
साड़ी ते बनाए दिलार।